ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के देवरीपाड़ा में कल एक कूड़े के ढेर में हजारों आधार कार्ड पड़े मिले। एक तरफ लोगों की शिकायत है कि पोस्ट द्वारा उनका आधार कार्ड नहीं आया। जैसे ही लोगों को कूड़े में आधार कार्ड फेंके जाने की जानकारी मिली, लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर अपना आधार कार्ड ढूंढने लगे और इस कचरों की ढेर में फेंके आधार कार्ड में कई लोगों ने अपना और अपने परिवार का आधार कार्ड भी पाया और कुछ बच्चे आधार कार्ड लेकर घर घर पहुंचाने लगे। अब ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्ड कचरों के ढेर में फेंका किसने? वैसे भी पोस्ट द्वारा आधार कार्ड जो आता है, ये कचरों के ढेर में वही आधार कार्ड है। ज़्यादातर देवरीपाड़ा के ही लोगों के आधार कार्ड इन कचरों के ढेर में बरामद हुए हैं। इसकी सूचना मुमरा पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर 51 आधार कार्ड बरामद कर पाई है। ओरिजिनल आपके पास? आपने टैली किया नंबर? हाँ, मेरा नंबर तो है उसके अंदर लिखा हुआ। और आधार नंबर नहीं, आधार नंबर आधार जो नेट से निकाला है ना, सेम, बिल्कुल सेम है। आधार नंबर भी सेम है, वो भी सेम है, दोनों पीछे सेम, कुछ भी फर्क नहीं। आपका नाम का इसमें कितने कौन सा सर ने जो तीन आधार कार्ड है ना, वो तीनों मेरे हैं। आपके मोबाइल में फोटो है क्या? इसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए, ये तीनों आधार कार्ड के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल आया रहेगा 50 से थे। 50 से कौन? ये बघा है, माझे नंबर लिहिले ना याच्यावरती। इथे माझा नंबर आहे बघा, 9664995399। तुम्हारे बच्चे काय आहे? हां, मैं माझ्या मुलीचं आलिशा कादिर शेख। हो, घर पे जो आया है तुमने नेट पे, ये नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है, ये वही नंबर है ना? बिल्कुल वही। और बच्चे लोग सब उठा के बांट रहे, पूरे एरिया में सब लोग बांट रहे हैं। तुमको कब पता चला? अभी मुझे जैसे ही मालूम पड़ा मैंने यासर भाई को फोन किया, फिर उन्होंने आपको शायद फोन किया था। कितने टोटल बरामद हुए आपको? 55। जी, ये क्या, ये मेरा आधार कार्ड मिला है, ये मेरे बाजू वाले का आधार कार्ड मिला, उसके बेटे का। यहाँ पे बहुत सारे आधार कार्ड पड़े हुए थे, हम लोग ने आके देखे, बाकी सब बच्चे लोग ने उठा के लेके चले गए, घर घर भेज रहे बच्चे लोग देख देख के किसका अच्छा। किधर है? तो जो यहाँ पर आधार कार्ड था तो सभी देवरीपाड़ा श्रीलंका इसी एड्रेस का था जी? यहीं पे क्या था, यहीं के सब लोगों का आधार कार्ड यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने उठा के लेके। पोस्टमैन ने आपके लोग के यहाँ पहुँचाया नहीं था? नहीं, पोस्टमैन ने बल्कि इसके ऊपर है ना, हम लोग का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। देखिए, जैसे ये आधार कार्ड अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर अगर उसको देना होता तो इस पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। देख रही है, मेरा मोबाइल नंबर है, चालू है मोबाइल, ये मोबाइल नंबर चालू है, आप फोन लगा के देख सकते हो। अगर उसको देना होता तो मुझे फोन किया होता और मुझे दे दिया होता उसने मुझे। यानी आपका भी आधार कार्ड इसमें? ये मेरे वाइफ का है ना, ये मेरी वाइफ है, उनका आधार कार्ड है ये, और ये मेरा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर अपडेट। जो आधार कार्ड मैंने नेट से निकाला हूँ और जो मेरे पास यहाँ पे मिला है, दोनों भी आधार नंबर सेम है। और दूसरी बात, जो आधार यहाँ पे मिला है उसके पीछे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। अगर पोस्टमैन को देना होता तो वो नंबर पे फोन करके मुझे दे सकता था, लेकिन उसने मुझ तक नहीं पहुंचाया उसको। यहाँ फेंक जो तुमने नेट से आधार कार्ड निकाले उसका नंबर और इसका नंबर बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं। नंबर तो सेम रहेगा, दो आधार कार्ड वैसे भी नहीं बनते। आपका आधार कार्ड भी इसमें मिला क्या? दो मिला, मेरा भी ओरिजिनल नहीं आया भाई, मेरा हम लोग का भी ओरिजिनल नहीं आया। फैमिली फोन करना चाहिए, स्कूल में जरूर अभी नहीं आया, नहीं किया पूरी फैमिली का नहीं, स्कूल में जरूर था तो नेट से निकालना पड़ा। ये देखो, हम लोग भी एक सेकंड सर के पास देख लो, ये मेरा घर का आधार कार्ड, देखो मैं देख चुका हूँ, ये घर का आधार कार्ड है मेरे, और सर के पास है सेम आधार नंबर, यही है अलीशा कदीर शेख, वो तो नंबर सेम है, नाम नहीं नंबर। जिन लोगों को कचरे के ढेर में आधार कार्ड मिले हैं उनके और इंटरनेट द्वारा निकाले गए आधार कार्ड का नंबर एक ही है, यानी डाक द्वारा भेजे गए आधार लोगों के घर तक नहीं पहुंचा। बहरहाल पुलिस ने 142 के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।